सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। आज के वीडियो में हम आईओ मॉड्यूल्स का एक और टाइप देखेंगे, डीएमए ड्रिवन आईओ। इसके बारे में समझेंगे हम लोग कैसे काम करता है, क्या है ये। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो तरह के आईओ देखे, एक तो इंटरप्ट ड्रिवन था, एक तो प्रोग्राम्ड आईओ था। ये इसका मैं एक शॉर्ट में एक रिकैप बता देता हूँ कि ये क्या है। तो फॉर एग्जांपल, अभी प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता था, अभी सीपीयू एक रिसोर्स पे काम कर रहा है और वो रिसोर्स आईओ को भी चाहिए, तो आईओ सीपीयू को रिक्वेस्ट करता था और वो चीज़ को ले लेता था, और तब तक सीपीयू फुकट ही बैठता था जब तक वो रिसोर्स खाली ना हो जाए। तो ये प्रोग्राम में होता था। इंटरप्ट ड्रिवन में अगर वो रिसोर्स आईओ के पास है तो सीपीयू कुछ और काम करता था, और अगर सीपीयू का वो काम ख़त्म हो गया तो वापस आईओ उसका कंट्रोल सीपीयू में देता था। तो ये बेसिकली ये था, पर दोनों में एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक क्या था मालूम है क्या? अभी समझो आईओ को मेमोरी एक्सेस करना है। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी का काम लगता है ना, रीड करके डेटा स्टोर करने में या फिर राइट करके डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी का काम लगता है। पर जितनी बार इनको मेमोरी का काम लगता था ना, इनको बीच में सीपीयू से बात करना पड़ता था, सीपीयू से लोगों को पूछना पड़ता था कि मैं मेमोरी एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। तो इससे क्या होता था, जो भी काम सीपीयू करता था ना वो रुक जाता था। मतलब अभी सीपीयू समझो कुछ अपने में मस्त अपना काम कर रहा है, अचानक से आईओ ने बोला मेरे को मेमोरी एक्सेस चाहिए, तो सीपीयू इसको मेमोरी एक्सेस दे देता था आईओ को। तो इससे क्या होता था, सीपीयू डिस्टर्ब हो जाता था, बराबर। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर कुछ ऐसा हो सके कि आईओ डायरेक्टली मेमोरी से बात करे तो कितना टाइम बच जाएगा, सीपीयू भी खुश, आईओ मॉड्यूल भी खुश, मेमोरी भी खुश, है कि नहीं। तो वैसे ही इसका लास्ट जो टाइप है आईओ मॉड्यूल्स का वो है डीएमए ड्रिवन आईओ। तो डीएमए का मतलब क्या है, डीएमए का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है ये, जैसा नाम वैसा काम, बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे मेमोरी एक्सेस करना, मैं डायरेक्टली उससे बात करूँगा। तो ये करने में कौन मदद करता है, तो ये आईओ डिवाइस के पहले एक और चीज़ रहता है डीएमए करके। डीएमए मॉड्यूल जो है वो डायरेक्ट फ़ोन ना मेमोरी को ही लगाता है, डायरेक्ट कॉल करता है मेमोरी को, बीच में ये पिक्चर में आता ही नहीं है। तो इसे टाइम बचता है, पैसा बचता है, जैसे आपको बोल देगा वैसे बोलो, और फटाफट कम्युनिकेशन होता है, और एफिशिएंट भी ज़्यादा रहता है ये डीएमए ड्रिवन आईओ। तो मैं आपको इसमें क्या सीन है मालूम है क्या, अभी ये सब चीज़ों को कौन कनेक्ट करता है आपको पता है, ये आईओ, ये डीएमए, ये सिस्टम बस, ये सीपीयू को कौन कनेक्ट करता है, इसको कनेक्ट करते हैं चीज़ें जिसका नाम है बस। बस मतलब क्या, बस लाइंस मतलब क्या होता है, बस लाइंस मतलब एक रोड रहता है जिधर से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी समझो कि ये जो मेन बस लाइन है मेरा, ये सीपीयू यूज़ कर रहा है, बराबर। तो ये डीएमए को भी चाहिए रहेगा ना मेमोरी से बात करने के लिए, इधर भी ये तो इधर से इधर तक बात करने के लिए ये डीएमए को भी चाहिए, पर ये अभी सीपीयू यूज़ कर रहा है। तो डीएमए को कैसे मिलेगा ये, तो इसके लिए ट्रांसफ़र मोड्स होते हैं कि ये बस अभी किसके पास रहेगा, किसको कभी ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसके लिए डीएमए के ट्रांसफ़र मोड्स होते हैं। तो वो एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ डीएमए का। अभी डीएमए का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अभी कोई भी सिस्टम को हम लोग लगाते हैं कहाँ पर भी, तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, उसको लगाने का तरीका, किस किस तरीके में हम लोग डीएमए को लगा सकते हैं, बराबर। तो एक तरीका है सिंगल बस डिटैच्ड डीएमए। अभी ये सिस्टम बस है, सिस्टम बस मतलब मैंने क्या बताया था, सिस्टम बस मतलब रोड जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अभी ये एक ही रोड है और ये रोड पे सब लोग कनेक्टेड है, प्रोसेसर, डीएमए, आईओ, मेमोरी, सब लोग एक ही रोड पे कनेक्टेड है, एक ही रोड यूज़ कर रहे हो लोग मिल बांट के। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, सब लोग बीच में यूज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नॉइज़ आ जाएगा बीच में, और सीपीयू को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अचानक से डीएमए को कुछ प्रॉब्लम हुआ, आईओ को कुछ मॉड्यूल प्रॉब्लम हुआ बस के साथ, तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। तो ये एक सस्ता इम्प्लीमेंट करने के लिए, इट इज़ वेरी चीप टू इम्प्लीमेंट, पर इसका ड्रॉबैक्स ये है कि ये बस साइकिल ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो हम लोग ने सिंगल बस डिटैच डीएमए तो देख लिया, अभी देखते हैं सिंगल बस इंटीग्रेटेड डीएमए, ये क्या करता है करके। तो अभी यहाँ पर वैसे ही एक सिस्टम बस है, सिस्टम बस मतलब रोड जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, डीएमए लगा हुआ है और मेमोरी लगा हुआ है। पर इसमें आपने देखा रहेगा, जैसे इसमें आईओ मॉड्यूल था, इसमें आईओ मॉड्यूल नहीं लगा हुआ है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जितने भी आईओ मॉड्यूल थे वो सारे डीएमए से कनेक्टेड है। तो उन लोगों को कुछ भी काम रहेगा वो लोग डीएमए से बात करेंगे, और डीएमए वो लोग उनके लिए सिस्टम बस यूज़ करेगा,
समझे आप, यहाँ पर कैसे रहता था कि डीएमए भी अलग से यूज़ करता था और आईओ मॉड्यूल भी अलग से सिस्टम बस यूज़ करता था, वो क्या कचरा होता था बहुत। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं अगर 15 आईओ भी लगाऊंगा वो सब डीएमए ही संभालेगा। इसमें मैं जितने आईओ ऐड करूंगा उतना ये सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होते रहेगा, तो ये इसके ऊपर मेजर एडवांटेज है। अभी लास्ट वाला है आईओ बस। आईओ बस और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही बस साइकिल कंज्यूम करते हैं। बस साइकिल मतलब सीपीयू का साइकिल होता है ना, एक ही साइकिल कंज्यूम करते हैं। बस इसका एडवांटेज क्या मालूम है क्या, यहाँ पर भी सिस्टम बस जो रहेगा ना, सिस्टम बस यहाँ पर उसमें प्रोसेसर डीएमए और मेमोरी कनेक्टेड है, आईओ नहीं है। पर आईओ को ना कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर एक अलग आईओ बस है, मतलब इन लोगों को बात करने के लिए आपस में एक अलग रूट दिया गया है। इसमें मैं कितने सारे भी आईओ डिवाइस अटैच कर सकता हूँ। और आपने एक चीज़ नोटिस की है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अभी समझो इसको इससे बात करने का है, वो कर सकते हैं क्या, नहीं, उसको डीएमए से बात करना पड़ेगा और डीएमए इसके साथ बात करेगा, तो लंबा होता था सीन। इसमें क्या है, इसको इससे कुछ बात करने का है, डायरेक्टली आयो बस यूज़ किया बात किया, इसको इससे बात करने का आयो बस यूज़ किया इससे बात किया, इनको आगे प्रोसेसर से कुछ बात करने का है, गए डीएमए से बात किया, डीएमए ने प्रोसेसर के साथ बात किया। तो ये सिस्टम आईओ बस थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है पर अच्छा पड़ता है यूज़ करने के लिए स्पीड और एफिशिएंसी के टर्म्स में। तो होप आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा रहेगा कैसे कैसे ये जो डीएमए वाला डिवाइस है कनेक्ट होता है सिस्टम बसेस के साथ। तो अभी आइए एक और एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है ट्रांसफर मोड्स। देखते हैं हम लोग ट्रांसफर मोड्स क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि अभी समझो ये मेरा सीपीयू है, ये मेरा डीएमए और ये मेरा आईओ है और ये मेरा मेमोरी है। अभी ये सब चीज़ें कनेक्टेड है सिस्टम बसेस के साथ, बराबर। अभी ये सिस्टम बसेस को सीपीयू ने पकड़ के रखा है और डीएमए को तो काम पता है डायरेक्ट मेमोरी से बात करना, पर वो बात कैसे करेगा अगर ये ऑक्यूपाइड है तो, चैनल जो बात करने का जो तरीका है वही ऑक्यूपाइड है तो बात कैसे करेगा। तो उसके लिए ट्रांसफर मोड्स काम आता है कि ये दोनों मतलब सीपीयू और ये डीएमए कैसे ये बसेस को शेयर करके यूज़ करते हैं आपस में, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो देखते हैं पहले तो बस ट्रांसफ़र क्या होता है। बस ट्रांसफ़र क्या होता है, एक बार में एक ब्लॉक डेटा पूरा बड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह पर और फिर रुक जाना। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ मैं, अभी समझो ये सीपीयू है और ये बस लाइन है, ये मेरा डीएमए है, ये मेरा आईओ मॉड्यूल है। अभी ये मेरा डीएमए के पास ये बस का कंट्रोल है, इधर मेमोरी है। अभी ये पूरा एक ब्लॉक डेटा इसको भेजेगा, फिर ही इसके बाद सीपीयू को बस का कंट्रोल मिलेगा। तब तक सीपीयू को बस का कंट्रोल नहीं मिलेगा, सीपीयू कुछ और काम करेगा तब तक। समझे आप क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पूरा एक ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र करेगा फिर बाद में सीपीयू को बस देगा। वैसे सीपीयू भी वैसे ही करेगा, एक ब्लॉक डेटा यूज़ करेगा, वो एक ब्लॉक डेटा के लिए बस लाइन यूज़ करेगा और फिर उसका कंट्रोल वो डीएमए को देगा। साइक्लिक शेड्यूलिंग में क्या होता है कि सीपीयू के बहुत सारे साइकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फेच होता है, डीकोड होता है, एग्जीक्यूट होता है। अभी हम लोग ने ये देख लिया क्या होता है कि बर्स्ट में मतलब बहुत सारा डेटा एक बार ट्रांसफ़र करता है फिर उसको दे देगा वो और वो शांत बैठेगा कुछ टाइम के लिए। साइक्लिक शेड्यूलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे साइकिल्स होते हैं सीपीयू के, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो उसमें से कोई भी एक साइकिल के टाइम पर बस का यूज़ नहीं होएगा तो तभी वो चुपचाप डीएमए आएगा, ये साइकिल चुराएगा, एक बाइट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा और शांत बैठ जाएगा, तो सीपीयू को पता भी नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में और ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसफर मोड्स है, ये दोनों इम्पोर्टेंट ट्रांसफर मोड्स है, ये ऑप्शनल है, ये साइक्लिक से डिराइव होता है। तो मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एक बार वापस से बताता हूँ मैं। तो बस ट्रांसफर में क्या होता है कि समझो यहाँ पर सीपीयू है, यहाँ पर डीएमए, कंट्रोल किसी एक के पास रहेगा, वो बहुत बड़े अमाउंट में डेटा ट्रांसफ़र करेगा और बाद में वो चीज़ सीपीयू को वापस दे देगा, एड्रेस बस या फिर सिस्टम बस या फिर डेटा बस। वैसे सीपीयू एक बड़ा सा डेटा ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी में, अपना काम करेगा और फिर उसको टाइम मिलता है तो फिर ये डेटा वापस डीएमए को देगा, डेटा क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम बस देगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब सीपीयू बस यूज़ नहीं कर रहा है, ये जो डीएमए है ये सुमड़ी में से ये बस चुराएगा। ये नाम क्या है इसका, स्टीलिंग है। स्टीलिंग मतलब क्या, चोरी करना।
चोरी करेगा बस लाइन को और 1 byte डेटा ही वो मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा। अभी इंटरलीव में क्या होता है, इंटरलीव क्या बोलते हैं हम लोग को कि अभी समझो सीपीयू के अलग अलग स्टेट्स रहते हैं, ये एक्टिव स्टेट्स हुआ, ये उसका रेस्ट हुआ। तो जब सीपीयू रेस्ट करता है तभी उसको बस का काम है नहीं है, तभी डीएमए क्या करेगा, ये बस जब्त कर लेगा और जितना हो सके उतना डेटा ट्रांसफ़र करेगा वो, और ये वापस जब तक वो एक्टिव नहीं होता तब तक वो यूज़ करके इसको बाद में वापस दे देगा। समझे आप तीनों में डिफरेंस क्या है? बस ट्रांसफ़र में वो सीपीयू को भी काम कर रहा है, वो एक सर्टन ब्लॉक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करेगा और बीच में रुक के वो कंट्रोल डीएमए को देगा, वैसे डीएमए भी एक ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र करेगा, दोनों मिल बांट के यूज़ करेंगे। इसमें चोरी होता है, इसमें क्या होता है जब सीपीयू एक काम नहीं करता रहता है, सुमडी में जो है डीएमए बस लाइन चोरी करता है, उसको यूज़ करता है, 1 byte के लिए वापस दे देता है। ये भी सिमिलर है, पर इसमें जब सीपीयू सोता है कुछ टाइम के लिए तभी डीएमए जितना हो सके उतना डेटा ट्रांसफ़र करता है और उसको जागने से पहले जाके वापस दे देता है। तो सीपीयू को पता ही नहीं चलता कि वो चोरी हुआ है उसके साथ करके, कि उसका बस लाइन यूज़ हुआ है। तो ये था डीएमए का ट्रांसफ़र मोड्स। अभी हम लोग डीएमए मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो फिर अरे एडवांटेजेस क्या है इसके, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि इसमें सीपीयू से बात नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मेमोरी से बात कर सकते हैं। ईज़ ऑफ एक्सेस है कि अपना डीएमए इजीली मतलब मेमोरी के साथ एक्सेस कर सकते हैं, मेमोरी से रीड राइट कर सकते हैं, सीपीयू का अपना टोकना नहीं पड़ता। एडवांटेजेस क्या है, जो डीएमए मॉड्यूल जो बनाया था ना मैंने, वो काफ़ी महंगा आता है तो उसमें अपना स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा कैश कोहेरेंस करके एक प्रॉब्लम आता है। अब ये कैश कोहेरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। और जो मेमोरी है ना, मेमोरी में दो हिस्सा है, एक जनरल वाला हिस्सा है और एक कैश्ड वाला हिस्सा है। कैश मतलब क्या, कैश एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर सीपीयू अपना डेटा रखता है, पर डीएमए क्या है, डीएमए डायरेक्टली मेमोरी के साथ सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो डीएमए ये सब कुछ पढ़ सकता है, मेमोरी भी पढ़ सकता है, कैश भी पढ़ सकता है। तो ये जो सीक्रेट डेटा, ये डीएमए को नहीं पता चलना चाहिए ना, तो ये कैश का प्रॉब्लम बार बार इसमें आता रहता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो होप आपको समझा रहेगा कि डीएमए ड्रिवन आईओ क्या है, उसके मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया वो कैसे कैसे लग सकता है, सिंगल बस डिटैच डेटा, सिंगल बस इंटीग्रेटेड डीएमए आईओ बस, और मैंने उसके ट्रांसफ़र मोड्स भी बता दिए, बस ट्रांसफ़र, साइक्लिक स्टीलिंग और इंटरलीव्ड मोड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने के लिए, पर कैसे भी करके इसको याद कर लेना। बस ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक साथ बड़ा बड़ा ब्लॉक डेटा एक बंदा ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी में और फिर बाद में उसका सिस्टम बस का कंट्रोल सीपीयू या डीएमए को जाएगा। साइक्लिक स्टीलिंग में क्या होता है, जब सीपीयू देख नहीं रहा है तब तक सुमडी में डीएमए आता है, 1 byte ट्रांसफ़र करता है, वापस कंट्रोल सीपीयू को दे देता है वो चीज़ का, डेटा बस का। इंटरलीव में क्या होता है, जब सीपीयू सोता है तभी डीएमए जितना हो सकता है उतना डेटा ट्रांसफ़र करता है जब तक कि वो सीपीयू एक्टिव नहीं हो जाता। तो ये था आज का वीडियो हमारा डीएमए ड्रिवन आईओ के ऊपर। होप ये वीडियो आपको समझा होगा, अगर समझा होगा तो लाइक करके चैनल को सपोर्ट कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहेंगे। So thank you for watching and all the best for your exams.